कुलदीप यादव, कुलदीप शादाब खान जी यादव, शादाब कुलदीप यादव बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी गुगली भी बहुत अच्छी है। शादाब खान वो दोस्ती यारी के चक्कर में बहुत खुश है। शादाब खान जो पाकिस्तानी ऑलराउंडर है उनके हवाले से, और फिर इंडियन ऑलराउंडर कुलदीप यादव के हवाले से बातचीत की जाए कि कौन सा बेस्ट प्लेयर है। तो हमने सोचा कि कुछ यहाँ पर मौजूद कुछ जो शायकीन है क्रिकेटर उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कुलदीप यादव या फिर शादाब खान कौन सा ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर है। अच्छा, अगर पाकिस्तान के शादाब खान और इंडियन प्लेयर कुलदीप यादव की बात करें तो कौन सा प्लेयर जो है वो बेस्ट प्लेयर है? जी, मैं जो बेस्ट प्लेयर है मैं उनके बारे में कहूँगा कि शादाब खान एक तौर पे एक अच्छे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनकी फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसी वजह से वो टीम में अभी तक हैं। और कुलदीप यादव की बात कर तो मानना है, ये मानना पड़ेगा कि उनकी स्पिन बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे स्पिन करते हैं, लेकिन एज अ फील्डर शादाब खान के मुकाबले में वो नहीं आ सकते। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो शादाब खान तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। बेशक वो आउट ऑफ फॉर्म हैं, लेकिन कुलदीप यादव और उनका कंपैरिजन कर तो मैं तो शादाब खान को ही कहूँगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे फील्डर्स हैं और अभी बैटिंग भी वो अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलदीप यादव ज़्यादा अच्छा है मेरे नज़र में, क्योंकि वो स्पिन उनकी अच्छी होती है और बाकी वो परफॉर्म भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और IPL के लेवल पे, जबकि शादाब खान जो सिर्फ PSL में परफॉर्म करते हैं और बाकी आप उनको अगर देखा जाए इंटरनेशनल मैचेस में, वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनकी कोई समझें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है ओवरऑल, तो इसलिए कुलदीप यादव को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यानी कि कुलदीप यादव जो है वो बेस्ट हैं और शादाब खान इतने अच्छे नहीं हैं, दोस्ती यारी के चक्कर में बस उनको रखा हुआ है। बाकी PSL में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि इंटरनेशनल में जब टीम को ज़रूरत होती है तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जब टीम को नीड होती है, जब विकेट लेने की करते, बस उनकी फील्डिंग अच्छी है, इस बारे में मैं उनको ज़्यादा करता हूँ सपोर्ट, बाकी बैटिंग और बॉलिंग तो अच्छी नहीं है उनमें। कुलदीप यादव रहते हैं क्योंकि शादाब खान को बहुत सारे मौके भी मिले। शादाब खान बॉलिंग में खाली बैटिंग के तौर पे उसको लाए थे, लेकिन बैटिंग पे भी वो जीरो पे जाते हैं, गुगली पे आउट हो गए, गुगली पे टुक करने की वजह शॉट के चक्कर में आउट हो जाते हैं। कुलदीप यादव बड़े मैच के बड़े प्लेयर है, फाइनल में भी जहाँ विकेट चाहिए उसने वहाँ भी विकेट निकाली, इसलिए कुलदीप यादव शादाब खान से बहुत ऊपर है। कुलदीप वो अच्छा खेलता है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, दोनों प्लेयर अच्छे हैं, मगर पाकिस्तानी प्लेयर शादाब खान वो दोस्ती यारी के चक्कर में बहुत फुटता है। उनके परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, मगर जो देखा जाए वो कुलदीप यादव अच्छा ही खेलता है, क्योंकि वो दोस्ती यारी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में कभी ना पड़ा, और शादाब खान जो है दोस्ती चक्कर में वो हमेशा अपने मैच हरवा देता पाकिस्तान को। खेलता दोनों अच्छे हैं और पाकिस्तान के शादाब खान मेरे को अच्छा लगता है, मगर वो दोस्ती यारी के चक्कर में बहुत पड़ता है। जहाँ तक मुझे लगता है शादाब, इसलिए उनकी बॉलिंग स्पिन अच्छी है और फील्डिंग भी अच्छी है उनकी। फील्डिंग जो है वो शादाब की अच्छी है, लेकिन शादाब की अगर बॉलिंग की बात करें तो अभी आजकल तो वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। आजकल का तो नहीं पता, लेकिन पहले करते थे। कुलदीप यादव के हवाले से क्या, कुलदीप यादव अच्छे प्लेयर नहीं है? कुलदीप यादव बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी गुगली भी बहुत अच्छी है, लेकिन शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म है, इसीलिए कुलदीप यादव अच्छे हैं।